Jasmeet Kaur became first woman lieutenant in Indian Army from Jammu and Kashmir's Rajouri. She hails from a small remote village called Dalogra in Rajouri district, and she cleared MNS 2024 exam and will join Indian Army Medical Corps as lieutenant. Jasmeet Kaur's father Ravinder Singh runs a flour mill in the village to support his family. She completed her schooling from Rajouri and pursued BSE nursing from Amritsar, and now she will embark on a journey of becoming an Indian Army officer. मैंने एम एन एस का एग्ज़ाम दिया था जनवरी 2024 में, तो उसके बाद मेरा सी बी टी क्लियर हो गया था. देन उसके बाद मेरा जो इंटरव्यू है और मेडिकल है वो मार्च में हुआ था. देन मुझे कल मेल आई है जिसमें मैं सक्सेसफुली जो है मैंने ये एग्ज़ाम पास आउट कर लिया है. बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ. मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए. सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ मोटिवेशन मस्ट है, क्योंकि अगर आपको खुद नहीं लगेगा कि आप कुछ कर सकते हो देन नो बॉडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू. तो सबसे पहले वो चीज़ अपने अंदर बिल्ड कीजिए. हार्डवर्क और पेशेंस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी जर्नी में, तो वो दोनों अपने अंदर डेवलप कीजिए तो ऑटोमेटिकली सक्सेस मिल जाएगी एक दिन. पेरेंट्स की सपोर्ट तो रही, हर एक बच्चे के साथ पेरेंट्स की सपोर्ट तो होती है, तभी जो बच्चा है वो आगे सक्सेसफुल हो पाता है. तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मेरे को पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही और मोटिवेटेड रही, उनको भी ट्रस्ट था कि हाँ कर लेगी तू, कर सकती है. तो शुरू से ही बीआईपी थी, मतलब हर जैसे मुझे जाने जाना, आर्मी में जाना, कुछ बनना है मम्मा, कुछ बनना है. तो इसके पापा ने ज़्यादा सपोर्ट किया. पापा ने बहुत मेहनत करी है, दिन रात वो काम करते थे. कई बार हमारी झगड़ा भी हो जाता भाई इतना काम एक्स्ट्रा नहीं करो, पर इन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है. 18-20 घंटे काम करना है और सिर्फ 2 घंटे इन्होंने आराम करना है, 2-3 घंटे. बचपन में का ही शौक था आर्मी में जाने का. केवी में पढ़ते थे तब से इसका शौक था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी. जनरल को मैं ये कहूँगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे बेटा हो चाहे बेटियाँ हो, सबको बराबर ही पढ़ाना चाहिए. ये नहीं कि बेटियाँ तो बेटियों को कम पढ़ाएं तो बेटे के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें.